अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। ट्रैवल फॉर एडवेंचर के एक बहुत ही एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और वेलकम करती हूँ आपका ट्रैवल फॉर एडवेंचर चैनल पर। आज की हमारी वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, इसलिए इसको स्किप नहीं करना और एंड तक देखना है। उम्मीद करती हूँ कि आप इंजॉय करेंगे। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर तो ज़रूर बनता है, और नए आने वाले लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ वाले बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की एक्साइटिंग और मज़ेदार वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलें फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का एडवेंचर, लेट्स स्टार्ट। ये देखिए फ्रेंड्स, गंदम की फसल पककर तैयार हो चुकी है, और ये किसान की सारे साल की मेहनत की का नतीजा होता है। किसान फसल को अपने बच्चे की तरह पालता है, सारा साल उसको संभालता है, पानी देता है, उसकी देखभाल करता है, और अपने आराम का ख्याल किए बगैर दिन रात इसकी देखभाल करता है। कभी कभी रात को पानी देना पड़ता है, कभी कभी शदीद गर्मी शदीद सर्दी में वो अपनी फसलों का ध्यान रखता है, तब जाकर कहीं ये फल खाने को मिलता है। फ्रेंड्स, अगर किसान खेतों में फसलें उगाना बंद कर दें तो हमको ताज़ा सब्जियां, ताज़ा फसलें और अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिलना बंद हो जाएं, तो ज़रूर हमें थैंकफुल होना चाहिए किसान का, जो सारा साल मेहनत करता है और हम लोगों के लिए फसलें उगाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। अभी ये फसल पककर तैयार हो चुकी है, इसकी कटाई होगी, उसके बाद बाकायदे तौर पर इसके गड्ढे बनाए जाएंगे, यानी गांठें। उन गांठों को बांधने के बाद थ्रेशर मशीन आ चुकी है, उसकी सेटिंग हो रही है, और अभी थोड़ी देर में वो सेट हो जाएगी। उसके बाद बाकायदा इन गांठों को इस थ्रेशर मशीन के अंदर डाला जाएगा और फिर दाने निकाले जाएंगे। और इस पूरे प्रोसेस में आप मेरे साथ रहिएगा और आप भी देखेंगे किस तरीके से, रवायती तरीके से गंदम के अंदर से दाने निकलते हैं। तो वेट करते हैं और देखते हैं। अभी फ़िलहाल मशीन की सेटिंग हो रही है। फ्रेंड्स, अभी एक आदमी जो है जहाँ पर दाने आके गिरेंगे वहाँ पर एक गड़ा खोद रहा है, फिर उस गड़े के ऊपर एक कपड़ा डाला जाएगा और फिर उसके ऊपर एक बर्तन रखा जाएगा जहाँ पर आके दाने गिरेंगे, फिर वो दाने एक आदमी वहाँ पर खड़ा होगा, उठा उठा के उसको बोरियों में डालता जाएंगे। और साथ साथ इन्होंने एक बहुत बड़ा कपड़ा बिछा लिया है, इस कपड़े के ऊपर दूर दूर पड़ी हुई गांठों को करीब ला कर रख दिया गया है, ताकि जब एक दफ़ा मशीन चल जाए तो जल्दी जल्दी गांठें उसके अंदर डालनी होती हैं, तो इसलिए एक स्टॉक जमा कर लिया जाता है। तो अभी आप फ्रेंड्स देख रहे हैं कि कुछ आदमी गांठें लेके आ रहे हैं और यहाँ पर एक बड़े से कपड़े के ऊपर डालते जा रहे हैं, और दूसरे आदमी भी काम लगे हुए हैं और वहाँ नीचे जो गड़ा खोद रहे हैं वहाँ पर वो बर्तन सेट कर रहे हैं जिसके अंदर दाने आके गिरेंगे। तो फ्रेंड्स, बाकायदा तौर पर मशीन चालू हो चुकी है, आप लोग देखें कि उसमें से धुआं टाइप कोई चीज़ निकलना शुरू हो गई है, और ये जो गांठें डालते जाएंगे तो जो इस गंदम का भूसा होगा वो दूसरी साइड पर इस तरह उसका फ्लो होगा कि वहाँ पर एक ढेर सा बन जाएगा। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट हो चुकी है मशीन, और अभी मैं आपको थोड़ा सा क्लोज ले जाती हूँ और दिखाती हूँ कि किस तरीके से दाने जो हैं उस बर्तन के अंदर आ रहे हैं जो कि इन्होंने नीचे करके सेट किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं, आप भी मेरे साथ देखें। अभी थोड़ा सा क्लोज शॉट मैंने नहीं लिया, तो अभी इस मशीन के क्लोज चलते हैं और आप भी इंजॉय करें, देखें किस तरीके से दाने आ रहे हैं। ये देखें फ्रेंड्स, बहुत ही मज़े का प्रोसेस है। इसको जब आप लाइव देखते हैं तो आपको बहुत मज़ा आता है। जब मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड की थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा था और मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। इतने ज़्यादा आदमियों के बीच में मैं एक फ़ीमेल थी, तो उन्होंने मुझे अच्छे तरीके से
ट्रीट किया, मेरे साथ बहुत कोऑपरेशन की और मुझे कहा कि जितनी ज़्यादा वीडियो आप बनाना चाहें आप बना सकती हैं। तो ये देखें फ्रेंड्स, यहाँ से भूसा जो है वो बाहर निकल रहा है, इसका एक पूरा ढेर जो है वो एक सर पे बन जाएगा। और ये जो मशीन है थ्रेशर मशीन, ये ट्रैक्टर के ज़रिए चल रही है, आगे उन्होंने ट्रैक्टर लगाया और यहाँ से ये एक टिपिकल तरीका है पंजाब में गंदम की थ्रेशिंग का। तो चलिए फ्रेंड्स, पूरी वीडियो को एंड तक देखिए और इन्जॉय करें। उम्मीद करती हूँ कि आज का एडवेंचर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नए एडवेंचर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।